हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सेसेस। टैली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 12 है और पिछले वीडियो में हमने रिपोर्ट्स देखी थी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। और टैली में हम एंट्री कैसे करते हैं वो भी हम जान चुके हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर से हम एंट्री करते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिस्प्ले में जा करके ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं हमें पता चल चुकी हैं। ठीक है, इतना हम पिछले दो वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम टैली में कैसे देखते हैं और ये क्या होता है। अब हम इसको कॉपी पर कैसे बनाते हैं, मतलब अगर आपको मैन्युअली बनाना हो ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, तो उसे कैसे बनाएंगे ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मैन्युअली कॉपी पर बनाना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, तो उसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन थे, हमने जो टोटल 15 क्वेश्चन आपको दिए थे, याद होगा 15 क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं, जो 15 क्वेश्चन आपको हमने दिए थे वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सॉल्व होने चाहिए मीन्स डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर और वाउचर, पांचों चीज़ें आपको हर क्वेश्चन से निकालनी है। और जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा, मतलब ये जो आपने डेबिट क्रेडिट सॉल्व किया है इन्हीं से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। और जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस से ही हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिला करके हमारी बनती है बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है और उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोनों से मिला करके बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हम मैन्युअली कॉपी पर बनाना देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो एंट्री है वो सॉल्व नहीं है, मतलब डेबिट के लेजर अंडर वाउचर में एंट्री सॉल्व नहीं है। तो हमने जो यहाँ पर टैली में एंट्रियाँ चढ़ाई थी हम उन्हीं को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पर हम डे बुक में जाते हैं, और डे बुक में आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो 15 क्वेश्चन की एंट्री की थी वो सारी एंट्री यहाँ पर दिखा रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल पर क्लिक करें, यानी अल्ट के साथ F1 प्रेस करें, तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे डेबिट क्रेडिट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉपी पर, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सामने खुल चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये कैश है, तो कैश जो है ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये इसका अमाउंट क्या है, क्रेडिट साइड में है, समझ गए ना, कैश क्या है, क्रेडिट है। और बैंक क्या है, यहाँ पर देखिए DR लगा हुआ है, बैंक डेबिट है। तो मतलब ये क्वेश्चन निकल गया, डेबिट क्या हो गई, बैंक हो गई, क्रेडिट क्या हो गया, कैश हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो एंट्री की थी हम इन्हीं क्वेश्चन को उठा करके इसी से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और आपके पास तो कॉपी पर सॉल्व होंगी एंट्रियाँ, तो आप उनसे बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने अगर टैली पर एंट्री चढ़ा ली है तो आप चाहें तो इसी से बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हम इन्हीं एंट्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए लेज़र और अंडर दो चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ से नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता नहीं चल रही है, लेकिन हमें पता है स्टेशनरी एक्सपेंसेज है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही जाएगा, कंप्यूटर है फिक्स्ड असेट्स में ही जाएगा, सेलफोन AC फिक्स्ड असेट्स में जाएगा, SBI बैंक अकाउंट में जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट असेट्स में जाएगा। तो ये हमें पता है, तो यहाँ पर नहीं भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें डेबिट, क्रेडिट और लेज़र, ठीक है, लेज़र और अंडर, हमें चार चीज़ों से मतलब होता है, हमें वाउचर से मतलब नहीं होता। ठीक है, वाउचर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब एंट्री को हम चढ़ाते हैं, यानी एंट्री को टैली में चढ़ाते हैं तभी हमें वाउचर से मतलब होता है। ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें डेबिट, क्रेडिट, लेज़र और अंडर चार चीज़ों से मतलब होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो है वो तो यहाँ पर डेबिट के लिखा ही हुआ है, और लेज़र की बात रही तो लेज़र उसी का बनता जो अकाउंट होता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सबके लेज़र बने होंगे कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश का लेज़र पहले से बना होता है। ठीक है, बाकी सबके लेज़र बने, तो लेज़र भी हमारा तीन चीज़ें तो यहाँ पर दी गई हैं। अंडर नहीं दिया गया है, जो कि हमें पता है और आपको भी पता होगा। ठीक है, तो हम इन्हीं एंट्रियों का इस्तेमाल करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस एक नज़र फिर से दिखाते हैं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमने कल बताया था कि दो तरीके से आप देख सकते हैं, या तो आप लेज़र वाइज देख सकते हैं, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, लेज़र वाइज है। तो लेज़र वाइज ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे कि एंट्रियों को देख देख के आपको एक पेज में नोट कर देना, बस ऐसे ही समझ लीजिए। और यहाँ पर जो ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस होता है, इसको हम डिटेल में करते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, तो हम इसी को बनाना देखेंगे कि ये वाला ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे ग्रुप वाइज। ठीक है, ग्रुप वाइज देखेंगे कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, और जब आप इसको समझ लेंगे तो लेज़र वाइज तो आप बिल्कुल चुटकियों में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
लेजर वाइज में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एसी खरीदी गई थी तो हमने सिर्फ एंट्री से उठा करके यहाँ पर एसी लिख दिया, एसी का अमाउंट अगर डेबिट में था तो डेबिट में लिख दिया, अगर क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में लिख देते, तो हमें पता है वहाँ से क्वेश्चन से देखा और यहाँ पर एसी और उसका अमाउंट डेबिट में नोट कर दिया। एडवांस फॉर्म कस्टमर ये क्रेडिट थे तो उसका अमाउंट क्रेडिट में नोट कर दिया। मतलब जितने भी एंट्रियाँ थी उनमें जो भी अकाउंट आए थे चाहे वो डेबिट साइड में आए हों या फिर क्रेडिट साइड में आए हों उनके नेम जो है हम इधर नोट कर देते हैं सारे, और उनका अमाउंट अगर डेबिट में है तो डेबिट में नोट कर देते हैं और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नोट कर देते हैं। बस यही बन गया ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज। अब यहाँ पर होता यह है कि जैसे कोई कोई अकाउंट ऐसे होते हैं जो दो बार आते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या था दो बार आया था, और कैश तो कई बार आया, बैंक तो वो कई बार आया। तो क्या होता है जब कैश कई बार आता है तो जितनी बार भी कैश आया है उन सभी कैश को हम अलग नोट करके और उनको जोड़ करके घटा करके एक अमाउंट लिख देते हैं फाइनल। इसी तरह से बैंक का भी हम एक अमाउंट फाइनल लिख देते हैं। और जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी तीन बार आया, स्टेशनरी कितनी बार आया तीन बार आया, और तीनों बार डेबिट में ही आया है, तो हमने क्या किया तीनों को जोड़ करके एक जगह लिख दिया। तो बस यही होता है ट्रायल बैलेंस, और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्री खोल लेते हैं, वापस आते हैं स्कैप बटन से और डे बुक में चलते हैं। डे बुक में यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो डिटेल आ जाएगी, और अब हम इनसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको एक नज़र पहले यहाँ पर एंट्री देखनी होगी। ये हमारी क्या है एंट्रियाँ हैं, और इसमें हम एक चीज़ निकालेंगे। देखिए जो कैश है ये कैश कैश इन हैंड में गया, कैश का लेजर बना होगा, आपको पता है कैश का कंप्यूटर में पहले से लेजर बना होता है, लेकिन बना किसके अंदर होता है कैश इन हैंड के अंदर बना होता है, कैश इन हैंड में। और ये कैश इन हैंड क्या है आपको पता होगा, कैश इन हैंड सेकेंडरी ग्रुप है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो 28 ग्रुप है उनको अच्छे से एक बार फिर से पढ़िए। तो कैश इन हैंड ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। और इस सेकेंडरी ग्रुप का जो प्राइमरी ग्रुप है वो कौन सा है, करंट असेट्स। आपको पता होगा इसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, करंट असेट्स, समझ गए ना ये। ठीक, तो ये करंट असेट्स हमारा कौन सा ग्रुप है, कैश गया कैश इन हैंड में और कैश इन हैंड गया करंट असेट्स में, जो कि प्राइमरी ग्रुप है। तो हमें पहले इसमें से ये पता करना होता है, अपनी एंट्रियों से पता करना होता है। ठीक है, आप एंट्रियों में पहले देखें कि हम उसमें से प्राइमरी ग्रुप कितने यूज हुए हैं। हमें पता है कि टोटल प्राइमरी ग्रुप कितने हैं, 15 है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे इन एंट्रियों में प्राइमरी ग्रुप कितने यूज हुए हैं। सभी तो नहीं यूज हुए होंगे, तो जितने यूज हुए हैं वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक तो निकाल दिया हमने करंट असेट्स, बैंक अकाउंट तो हमें पता है बैंक अकाउंट का लेजर बना तो ये किस में गया, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट ये कौन सा ग्रुप है, आपको पता होगा ये सेकेंडरी ग्रुप ये भी है। और इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो कौन सा है, तो ये भी पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट का जो प्राइमरी ग्रुप है वो भी करंट असेट्स ही है। तो हम इसको नहीं नोट करेंगे क्योंकि करंट असेट्स तो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है, इतना हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैश और बैंक दोनों से हमने करंट असेट्स निकाल लिया, इसका प्राइमरी ग्रुप करंट असेट्स है, वापस से कैश बैंक तो हमने करंट असेट्स नोट ही कर लिया है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये किस में गया, ये गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये किस में गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये क्या है, ये प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो था ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया था, मतलब प्राइमरी ग्रुप के अंदर गया था। अब कैश तो कैश इन हैंड यानी करंट असेट हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। कंप्यूटर किस में गया, कंप्यूटर ये आपका गया किस में, फिक्स्ड असेट में। ठीक है, कंप्यूटर किस में गया, फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स, इसको आप ध्यान से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर ये किस में गया, फिक्स्ड असेट्स में गया, तो ये क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है, इसको भी हमने नोट कर लिया। कैश तो कैश का करंट असेट्स पहले से नोट है। सेलफोन किस में गया, सेलफोन गया फिक्स्ड असेट्स में, जो कि हमने नोट कर लिया है। एसी किस में गया, एसी भी फिक्स्ड असेट्स में गया, नोट कर लिया है। एसबीआई बैंक किस में गया, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट किस में गया, करंट असेट्स, जो कि नोट कर लिया है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये किस में गया, डिपॉजिट असेट्स में, और डिपॉजिट ये देखिए किस में गया, डिपॉजिट असेट्स, तो डिपॉजिट असेट्स ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी। और इसका प्राइमरी कौन सा ग्रुप है, ये प्राइमरी इसका करंट असेट्स ही है, जो हमने नोट कर लिया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से क्लियर कर ले। देखिए ट्रायल बैलेंस आप इस तरह से यानी ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस तभी बना सकते हैं जब आपके 28 प्राइमरी ग्रुप कंप्लीट, सॉरी 28 ग्रुप टोटल कंप्लीट होंगे, जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी। ये जब ग्रुप आपके अच्छे से कंप्लीट होंगे कि कौन सा सेकेंडरी ग्रुप होता है, उस सेकेंडरी का कौन सा प्राइमरी ग्रुप होता है, जब ये आपको अच्छे से पता होगा तो आप चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आसानी से ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसा हम बताते जाएं बिल्कुल आप उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और बैंक इन दोनों का क्या है, करंट असेट्स है। फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैश ये करंट असेट्स में चला जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस किस में गया, ये आपका गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो हमने नोट कर रखा है।
कैश किस में गया, कैश आपका करंट असेट्स में गया है। ड्रॉइंग्स ये क्या है, कैपिटल है। ड्रॉइंग्स किस में गया था, कैपिटल में गया था, तो ये हमने कैपिटल को भी नोट कर लिया, कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी। कैश पता है, करंट असेट्स श्याम वर्मा, श्याम वर्मा ने क्या किया था, बिजनेस में पैसा लगाया था, और ये भी किस में गया था, कैपिटल अकाउंट में, जो हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है। उसके बाद कैश करंट असेट्स में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये किस में गया था, आपको याद होगा ये गया था करंट लाइबिलिटीज में, तो ये क्या है आपका, ये प्राइमरी ग्रुप है, इसको भी हम नोट कर लेंगे, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, क्लियर। उसके बाद तो यहाँ पर तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, कैश आपका करंट असेस्ट में जाएगा, ऑफिस टेबल चेयर राइटिंग चेयर ये तीनों आपके किस में गए, ये तीनों आपके गए फिक्स्ड असेस्ट में, और राज फर्नीचर हाउस ये किस में गए थे, ये गए थे सन्ड्री क्रेडिटर में, और सन्ड्री क्रेडिटर का प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, करंट लाइबिलिटी ही है, जो कि हमने नोट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको भी हमें नहीं नोट करना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें और क्या बचा है, तो यहाँ पर आपके ये हो गया स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गया है, मोहन पेपर हाउस ये संडी क्रेडिटर में गया, और संडी क्रेडिटर का प्राइमरी ग्रुप करंट लाइबिलिटीज है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया, और सुकुन ऑफसेट ये आपके संडी क्रेडिटर में गया, जिसका करंट लाइबिलिटीज ग्रुप जो है वो नोट है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमें पता चल चुका है कि इस पूरे मंथ में जो टैली के जो ग्रुप हैं और जो प्राइमरी ग्रुप हैं, वो टोटल 5 ग्रुप यूज किए गए हैं, करंट असेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल अकाउंट और करंट लाइबिलिटीज। समझ गए ना, तो ये हमारे 5 ग्रुप टोटल निकले हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, तो एक साइड में ट्रायल बैलेंस में एक साइड में आपका होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स नेम। ठीक है, मतलब जो भी है, कंप्यूटर खरीदा, कैश इनकम हुई, एक्सपेंसेज हुई, उन सभी के नाम हम पर्टिकुलर में नोट कर देते हैं, और फिर ये कॉलम बनाते हैं, और एक साइड में आपका होता है डेबिट और एक साइड में होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, ये पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, तो पर्टिकुलर में आपके अकाउंट के नेम आ जाएंगे, जो भी है इनकम एक्सपेंसेस किया है सारे नेम, और उनका जो अमाउंट होता है वो अगर आप डेबिट है तो डेबिट में नोट करेंगे, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में नोट कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक ऑर्डर होता है, देखिए ट्रायल बैलेंस में एक ऑर्डर ये होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो ग्रुप हम नोट करते हैं यहाँ पर, समझ गए ना, देखिए इसको हम डिलीट करते हैं पहले, तो जो भी हम यहाँ पर नोट करते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर कुछ भी नोट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने पहले सेलफोन लिख दिया, सेलफोन 5,000 रुपये डेबिट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर कैश लिख दिया मान लेते हैं, और कैश को हमने 3,000 रुपये कर दिया, तो यहाँ पर आप कैश को ऊपर लिखें या सेलफोन को नीचे लिखें, बात एक ही है, आप अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8,000, आप 5,000 को ऊपर लिखें या 3,000 को नीचे लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, टोटलिंग जो होगी वो आपकी वही आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ऑर्डर को मेंटेन करते हैं ताकि जो ट्रायल बैलेंस है वो समझने में आसान रहे। तो ट्रायल बैलेंस में पहला जो पोर्शन होता है वो हमेशा होता है लाइबिलिटीज का, किसका होता है, लाइबिलिटीज का, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते समय सबसे पहले हम अपनी एंट्रियों से जितनी लाइबिलिटी होती है उनको यहां पर ऊपर नोट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका असेट्स। ठीक है, कोई भी असेट्स हो, लाइबिलिटी में कोई भी लाइबिलिटी हो, कैपिटल अकाउंट भी लाइबिलिटी होता है, हमने बताया था कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटी ही होती है, और बाकी लोन्स लाइबिलिटी हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया, ये सब आपका पहले होता है ऊपर पोर्शन में, और असेट्स में आपका क्या होता है, सारी संपत्तियां, चाहे वो फिक्स्ड असेट्स हो या फिर करंट असेट्स हो। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पोर्शन आपका आता है, तीसरा आता है इनकम का, किसका आता है आपका, इनकम का, और चौथा पोर्शन आपका आता है एक्सपेंसेस का, समझ गए ना, चौथा किसका आता है, एक्सपेंसेस का। तो बस यही 4 पोर्शन हमारे सिर्फ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 पोर्शन होते हैं ट्रायल बैलेंस में। हमने बताया था मुख्य रूप से बिजनेस में कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो, एक तो लाइबिलिटी और दूसरा असेट्स, और इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, जो कि ये दोनों ही नॉमिनल है, मतलब मुख्य रूप से आपका यही 4 चीज़ें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में मेन होती हैं। तो पहला पोर्शन क्या होता है, लाइबिलिटी का, दूसरा क्या होता है, असेट्स का, तीसरा क्या होता है, इनकम का, और चौथा क्या होता है, एक्सपेंसेस का। तो इतना तो पता चल चुका होगा, अभी यहाँ पर हम ये ग्रुप जो हैं लिखे हैं, इसको हम लिखे रहने देते हैं, और एक नज़र आपको वापस से ट्रायल बैलेंस पे डालते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप वही चीज़, सेम चीज़ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो बना ये ऑर्डर्ड बनाया, कैपिटल अकाउंट पहले है, फिर करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों क्या हो गई आपकी लाइबिलिटी हो गई, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स ये क्या हो गया आपका, असेट्स हो गया, और ये आपकी एक्सपेंसेज है, तो ये एक्सपेंसेज हो गई। ठीक है, अब इसमें इनकम तो है नहीं इस महीने, इसलिए इनकम का पोर्शन जो है वो ब्लैंक है, अगर बाई चांस इनकम होती तो वो यहाँ पर बीच में आ जाती। ठीक है, तो बस यही 4 पोर्शन होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सेम इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया है, तो अगर बनाना हो तब तो आप देख देख के बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको रटवाएंगे नहीं, आपको एक एक करके हर एक चीज़ को समझाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं और डे बुक में आकर के हम अपनी एंट्री को डिटेल में करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट तैयार करके ऑलरेडी रखा हुआ है, और एक काम करते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए करंट असेट्स यूज हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट्स और कैपिटल अकाउंट और करंट लाइबिलिटीज, ये 5 ग्रुप हमारे यूज हुए हैं, तो इसको आप एक बार माइंड में नोटिस कर लीजिए, और इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिलीट कर दिए, 5 ग्रुप हमारे यूज हुए हैं।
तो यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, यहाँ पर डेट हमने डाल दी 1 अप्रैल 2016 से 30 अप्रैल, मतलब ये पूरा एक महीने का ट्रायल बैलेंस आपका है, ठीक है। तो पर्टिकुलर में सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आपका मेन ग्रुप आएगा कैपिटल अकाउंट, हमने बताया सबसे पहले क्या आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट आपका उसमें यूज हुआ है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ और एक एक करके एंट्रियों को हम नोट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या आया है, कैश आया है, तो सबसे पहले तो नहीं आया, ये तो ऑर्डर्ड में लगा हुआ है तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है इन सभी एंट्रियों को जोड़ के वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिख देना है। तो कैश कितना आया, अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देखेंगे कि जो कैश होता है, ठीक है, कैश कई बार ऐसा भी होता है कि वो डेबिट में भी कई बार आया है और क्रेडिट में भी कई बार आया है। अब करना क्या है हमें, हमें करना ये है कि इन सभी एंट्रियों में जितनी बार भी कैश डेबिट आया है, जितनी बार भी, तो यहाँ पर कैश जो है वो कई बार डेबिट में भी आया है और कई बार क्रेडिट में आया है, तो हमें क्या करना है कि इसमें जहाँ जहाँ पर कैश डेबिट आया है उन सभी का अमाउंट हम यहाँ पर नोट कर लेंगे डेबिट साइड में, और जहाँ जहाँ पर कैश क्रेडिट में आया है उन सभी का अमाउंट हम नोट कर लेंगे क्रेडिट में। ध्यान से समझना, कैश जो भी है अगर डेबिट आया है तो डेबिट नोट कर लेंगे, डेबिट में अमाउंट उसका नोट कर लेंगे, और कैश कहीं पर अगर क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट में उसका अमाउंट नोट कर लेंगे। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम क्रेडिट वाले पोर्शन को जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद डेबिट वाले पोर्शन को हम जोड़ लेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम डेबिट वाले अमाउंट से क्रेडिट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद में हमारा जो बचेगा वो हमारा फाइनल होगा कैश, समझ गए ना। इस प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर जो भी कैश जितनी बार भी आया है अगर डेबिट में आया है तो डेबिट में नोट करेंगे, क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट में नोट करेंगे, और उसके बाद डेबिट वाले को जोड़ लेंगे, क्रेडिट वाले को जोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद डेबिट से क्रेडिट को, यानी इससे इसको माइनस कर देंगे, और फिर जो बचेगा वो हमारा फाइनल कैश अमाउंट होगा, समझ गए। इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ हमें बैंक के साथ भी करना है, क्योंकि बैंक भी कई बार डेबिट आई है और कई बार क्रेडिट आई है, तो उसका भी हम अमाउंट इसी तरह से नोट करेंगे, और क्रेडिट वाले को और डेबिट वाले को अलग अलग पहले हम जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम डेबिट वाले से क्रेडिट को माइनस कर देंगे, समझ गए। तो ये हमारा होगा फाइनल बैंक, और यानी बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारा फाइनल बैंक हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश और बैंक हमें इसी तरह से निकालना है, क्योंकि कैश और बैंक यही दो अकाउंट हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेशनरी एक्सपेंसेज आप देखेंगे, यहाँ पर स्टेशनरी 3 बार आया, तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ के एक जगह लिख देंगे, तो बस यही हमें करना होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कैश और बैंक की रिपोर्ट जो है वो अलग बनानी होगी पहले रफली, ठीक है, पहले क्या होना, रफली अलग बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक पेज बना रखा है एक्स्ट्रा, ये कैश और बैंक के लिए, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा कैश के लिए और इधर आपका हो जाएगा बैंक के लिए, ठीक है, ये हो गया कैश के लिए और ये हो गया आपका बैंक के लिए, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, ये डेबिट और ये आपका क्रेडिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर कैश और बैंक मिलेगी उनका अमाउंट हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में नोट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया हमारा कैश, और कैश जो है वो क्या है, क्रेडिट है, ठीक है, कैश क्या है वो क्रेडिट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आएंगे अपने कॉपी पर और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, कितना क्रेडिट था, 5 लाख रुपए, ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया हमारा 5 लाख रुपए, ये हो गया। बैंक क्या है, बैंक डेबिट है, कितने से, 5 लाख से, ध्यान रखना बैंक क्या है, डेबिट है, तो बैंक का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 5 लाख रुपए, बैंक डेबिट 5 लाख रुपए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैश का अमाउंट क्रेडिट था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, बैंक का अमाउंट डेबिट था तो हमने डेबिट में लिख दिया, बस अभी तक हमने केवल इतना किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद कैश का अमाउंट क्या है, कैश का अमाउंट 50,000 रुपये फिर से क्या है, क्रेडिट में है, 50,000 रुपये क्रेडिट में है, और बैंक जो है वो 50,000 रुपये डेबिट में है, मतलब कैश 50,000 क्रेडिट है और बैंक 50,000 डेबिट है, तो इसको भी हम नोट कर देंगे यहाँ पर। कैश हमारा क्या है, 50,000 रुपये क्रेडिट है और बैंक हमारी 50,000 रुपये डेबिट है, ठीक है, हो गया। वापस आते हैं, तो ये दोनों एंट्री हो गई। अगली एंट्री स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये हमारा क्या है, खर्चा है, ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हम कहाँ नोट करेंगे, सीधे ट्रायल बैलेंस में। तो वापस ट्रायल बैलेंस पे आते हैं, अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हम कैपिटल अकाउंट में तो नोट नहीं कर सकते, तो हम इसमें नीचे बढ़ेंगे, और स्टेशनरी एक्सपेंसेज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो हम इसको लास्ट में नोट करेंगे। अब कितना लास्ट में नोट करेंगे, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, एंट्रियाँ की हैं इतनी बार, तो आपको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री आई हैं। आप मान के चलिए 2 आई हैं, ठीक है, एक तो श्याम वर्मा जो बिजनेस में पैसा लगाया था, और दूसरा आपका हो जाएगा
एग्जाम में हो गए और दूसरे हो गए ड्राइंग्स। तो मतलब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लिए दो लाइनें लगभग छोड़ देंगे, और अगली लाइन में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ में भी दो ही एंट्री आई हैं। कौन सी दो? एक तो सन्ड्री क्रेडिटर वाली आई है, और दूसरी आपकी, एक सन्ड्री क्रेडिटर वाली आई है और दूसरी आपकी एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाली आई है। दो एंट्री आई हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम फिक्स्ड असेट्स रखेंगे। तो फिक्स्ड असेट्स जब यहाँ पर हम रखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फिक्स्ड असेट्स रखेंगे, और फिक्स्ड असेट्स में कई सारी एंट्री आई हैं। कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वेटिंग चेयर खरीदी, कई सारे आइटम खरीदे थे। तो यहाँ पर हम लगभग 5-6 लाइनें उसके लिए छोड़ देंगे। फिक्स्ड असेट्स के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हम लास्ट में आएंगे, और यहाँ पर हम एक बना देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ठीक है। इनडायरेक्ट, इन ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, ऑफिस। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस नोट करेंगे, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। और स्टेशनरी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो किस साइड में है, आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट जो है वो क्या है, डेबिट है। कितना? 2,000 रुपये, ठीक है। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट डेबिट है 2,000 रुपये। तो हम यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये वाला कॉलम डेबिट का है ना, आपको पता होगा ये कॉलम डेबिट का है और ये कॉलम क्रेडिट का है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। लेकिन हम पहले ये चेक कर लेंगे कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस और कहीं आया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो पता चलेगा हमें कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस और भी आया है। तो हम क्या करेंगे, सभी को टोटल करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस आया, कितना आया स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये आपका आया 4,500 रुपये, किस में, डेबिट में ही आया है। और ऊपर देखते हैं तो, और ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो और एक बार स्टेशनरी एक्सपेंसेज आया आपका यहीं पर, देखिए 2,500 रुपये, कितना आया 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये ये भी डेबिट में है, 4,500 रुपये ये भी डेबिट में ही है, और जो 2,000 रुपये आपका आया है ये भी क्या है, डेबिट में है। तो हमारी स्टेशनरी कितनी बार आई है, 3 बार आई है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 3 बार आया है। इसलिए तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे अमाउंट को। 2,000 रुपये ये हो गया, 2,500 वो हो गया, और टोटल कितना हो गया हमारा, 9,000 रुपये। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होगा तो डेबिट में होगा, कितना होगा, 9,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया 9,000 रुपये। और तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर स्टेशनरी हो गया, अब कैश की बात करते हैं। तो कैश जो है ये कितना है, 2,000 रुपये। तो कैश यहाँ पर हम इसमें नोट कर देंगे, इस वाले पोर्शन में कैश क्रेडिट में है 2,000 रुपये, ठीक है, कैश क्रेडिट में 2,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ये क्या है, डेबिट है। और कंप्यूटर जो है ये दोबारा तो आया नहीं, कंप्यूटर तो एक ही बार खरीदा गया ना। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर क्या है, डेबिट है। कितना, 22,500 रुपये। ट्रायल बैलेंस में आते हैं और अपने पेज पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स हमें एक बनाना पड़ेगा। तो ये दो लाइनें उसके लिए छोड़ दी थी, करंट लाइबिलिटीज दो लाइनें उसके लिए छोड़ दी थी। यहाँ पर हम रखेंगे फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, फिक्स्ड। अब यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या खरीदा, कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना, 22,500 रुपये डेबिट में, 22,500 रुपये डेबिट में हो गया। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है, कैश। कैश कितना है, 22,500 रुपये, और किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, कैश क्रेडिट 22,500 रुपये, ठीक। उसके बाद फिर है सेलफोन और एसी। तो सेलफोन और एसी दोनों फिक्स्ड असेट हैं, और जो सेलफोन और एसी है ये आपका क्या है, ये आपका है डेबिट। सेलफोन का अमाउंट जो है ये भी डेबिट में है, और एसी जो है ये भी डेबिट में ही है, बैंक आपकी क्रेडिट में है, ठीक है। तो सेलफोन कितने का है डेबिट में, 5,000, और एसी कितनी की है, 24,000 की। तो इसको हम नोट करते हैं पहले, तो फिक्स्ड असेट में, तो फिक्स्ड असेट में ही सेलफोन, सेलफोन कितना है, 5,000 रुपये का है, और आपका एसी थी, तो एसी आपकी कितने की थी, 24,000 रुपये की, 24,000 रुपये की। और हमने इसको पेमेंट किया था बैंक के जरिए, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी 29,000 रुपये से। आप वहाँ पर देखेंगे बैंक क्रेडिट में है 29,000 रुपये, समझ गए ना, क्रेडिट में है ये। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये क्या है, आपका डिपॉजिट, ये आपका जाएगा करंट असेट्स में, किसी किस में जाएगा, करंट असेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, 50,000 रुपये, और दूसरी बार हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से है 1,500 रुपये। तो 50,000 ये और 1,500 रुपये ये दोनों ही डेबिट हैं, तो जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट 51,500 रुपये, जो कि जाएगा करंट असेट्स में। तो यहाँ पर हम करंट असेट को फिक्स्ड असेट के नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे रखेंगे, और ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को थोड़ा नीचे कर दिया है, और ये बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे ये कॉलम के बाहर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक नया करंट असेट्स नाम का, फिक्स्ड असेट्स के नीचे यहाँ पर करंट असेट्स, ठीक है। तो करंट, ठीक, करंट असेट्स में हमारा यहाँ पर क्या आएगा, डिपॉजिट असेट्स, क्या आएगा, डिपॉजिट
असेट्स, डिपॉजिट असेट कैसे आएगा? तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या किया गया था, ये डिपॉजिट असेट ही तो था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को, दोनों का जो नाम है वो एक ही रख देंगे, डिपॉजिट असेट, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर किसके गया था, डिपॉजिट असेट्स के ही गया था। तो यहाँ पर हम इनको चाहें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिख सकते हैं या फिर हम डिपॉजिट असेस्ड भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 51,500 रुपये, जो कि डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 51,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ हम नोट कर देंगे कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यानी कि जो हमारा कैश होगा और बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट जिसका अमाउंट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट तो हम तब लिखेंगे जब ये कैश यहाँ से निकलेगा और बैंक यहाँ से निकलेगी, वो फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये करंट असेस्ट में डिपॉजिट असेस्ट, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला हो गया था और ये भी हो गया था, लेकिन बैंक का अमाउंट अभी नहीं लिखा हमने। बैंक कितनी है, 50,000 रुपये है क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम आते हैं और बैंक को कर देते हैं 50,000 रुपये क्रेडिट, बैंक 50,000 क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद तो ये दोनों हो गया, फिर कैश यहाँ पर बचा, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इसके साथ जुड़ चुका था। कैश यहाँ पर कितना है, 1,500 रुपये क्रेडिट है। तो कैश यहाँ पर, कैश क्रेडिट है कितना, 1,500 रुपये आपका, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री हो गई ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 1,200 रुपये। तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में नोट करेंगे, नीचे नोट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये आपका क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें कितना खर्चा हुआ, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैश कितना है, क्रेडिट है 1,200 रुपये, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा आपका 1,200 रुपये, कैश क्रेडिट 1,200 रुपये, ठीक है, हो गया। तो ये कैश हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट है, कितना है, 4,500 रुपये। तो ड्राइंग्स ये 4,500 रुपये आपका किस साइड में है, डेबिट में, आप देखेंगे डेबिट में, ड्राइंग्स 4,500 रुपये डेबिट, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं और यहाँ पर ऊपर चलते हैं, कैपिटल अकाउंट ऊपर है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर आपका आ जाएगा श्याम वर्मा, तो यहाँ पर हम ड्राइंग्स कर देते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स कितना, 4,500 रुपये आ जाएगा डेबिट में, ठीक है। उसके बाद कैश है 4,500 रुपये क्रेडिट, तो यहाँ पर कैश में आ जाएगा, कैश क्रेडिट कितना, 4,500 रुपये। उसके बाद श्याम वर्मा, तो श्याम वर्मा यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में, ठीक है। श्याम वर्मा क्या है, क्रेडिट है 8,00,000 रुपये, और जो कि कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर श्याम वर्मा यहाँ पर नोट हो जाएंगे, श्याम वर्मा क्रेडिट में है 8,00,000 रुपये। उसके बाद कैश है यहाँ पर 8,00,000 रुपये डेबिट, ध्यान रखना कैश क्या है, 8,00,000 रुपये डेबिट है, तो कैश डेबिट में आ जाएगा आपका 8,00,000 रुपये, ठीक। उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है 30,000 रुपये है, और ये क्या है, क्रेडिट है, जो कि करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, जिसका नाम यहाँ पर हम नोट करेंगे करंट, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ में ये क्या जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में है कितना, 30,000 रुपये क्रेडिट में, 30,000 रुपये, हो गया। डेबिट में क्या है, डेबिट में आपका कैश है 30,000 रुपये, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और डेबिट में कैश 30,000 रुपये आपका ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री में ऑफिस टेबल, ये सारे आइटम हैं जो कि फिक्स्ड असेट्स के हैं। देखिए ऊपर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर सब हम एक एक करके सॉल्व करते चल रहे हैं। तो ऑफिस टेबल, और ऑफिस टेबल आपका क्या है, डेबिट है, ऑफिस चेयर भी डेबिट है और वेटिंग चेयर भी डेबिट है, मतलब तीनों ही डेबिट हैं। तो ऑफिस टेबल आपका 6,000 रुपये डेबिट है, ऑफिस चेयर 12,000 और वेटिंग चेयर 7,000, तो इसको भी नोट कर देते हैं। सॉरी, ऑफिस चेयर 12,000 नहीं, 1,200 रुपये हैं। तो इन तीनों को हम पहले नोट करते हैं फिक्स्ड असेट्स में, डेबिट में, ये ठीक है। तो आप चाहें तो तीनों को तीन जगह ना नोट करके आप तीनों को एक बांध सकते हैं, वैसे तो आप अलग अलग लिखेंगे लेकिन जगह कम है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक में जोड़ देते हैं, ठीक है। और इनका नाम रख देते हैं फर्नीचर एंड फैक्चर, ठीक है। ये है क्या, फर्नीचर ही तो है, फर्नीचर एंड फैक्चर, ठीक है। फर्नीचर एंड फैक्चर का मतलब यही होता है कि ऑफिस में जो भी फर्नीचर से रिलेटेड सामान आया है वो पूरा एक में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑफिस टेबल हो गया, ऑफिस चेयर हो गया, अब वेटिंग चेयर हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक ही में मिला देंगे और तीनों का नाम एक ही रख देंगे और इसका टोटल अमाउंट कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों को, ठीक है। तो 7, 6, 13 और 1 14,200 रुपये, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14,200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर एंड फैक्चर जो कि किस में जाएगा, फिक्स्ड असेट्स में जाएगा, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं,
क्योंकि यहाँ पर हम तीनों को जोड़ के लिख रहे हैं, बस आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका नाम दे देंगे फर्नीचर एंड फैक्चर। फैक्चर कितना? 14,200 रुपये आपका किस साइड में आएगा? डेबिट में आएगा, क्योंकि वो डेबिट में ही है। फिर फाइनली यहाँ पर राज फर्नीचर हाउस जो है, ये 14,200 रुपये क्या है? क्रेडिट है। और राज फर्नीचर हाउस क्या है? ये सन्ड्री क्रेडिटर है, आपको पता होगा इनसे उधार खरीदा गया था। ये क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है। और जो कि सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका जाएगा करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं और ये करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर आपका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री। उसके बाद अब इनका अमाउंट कितना है सन्ड्री क्रेडिटर का? तो कितना? 14,200 रुपये। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो और भी सन्ड्री क्रेडिटर हैं। देखिए, राज फर्नीचर हाउस सन्ड्री क्रेडिटर है, मोहन पेपर हाउस भी सन्ड्री क्रेडिटर ही है, और सुकुन ऑफसेट भी सन्ड्री क्रेडिटर ही है। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। नाम देखिए यहाँ पर अलग अलग है, राज फर्नीचर अलग है, मोहन अलग है, सुकुन अलग है, लेकिन तीनों ही सन्ड्री क्रेडिटर हैं, इसलिए हम तीनों को जोड़ देंगे। और तीनों क्या है? क्रेडिट में ही। आप देखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट में है, ठीक है। राज फर्नीचर हाउस भी क्रेडिट है, मोहन पेपर हाउस क्रेडिट है, और सुकुन ऑफसेट क्रेडिट है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2545, ये आपका हो जाएगा 7,000, और 14,000 ये, तो 7, 14 और 7 आपका हो गया 21,200 रुपये। तो सन्ड्री क्रेडिटर का टोटल अमाउंट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर का टोटल अमाउंट हो गया आपका 21,200 रुपये। किस साइड में? क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए बचा क्या? अब क्या बचा? तीनों चीज़ों को तो हमने नोट कर दिया। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो था, वो जो हम उन्हें ऊपर वाली नोट की थी तो उसके साथ में जोड़ दिया था, और इस वाले स्टेशनरी को भी हमने इसी के साथ जोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो ट्रायल बैलेंस में ना गई हो। या तो इसमें से कोई भी अकाउंट या तो कैश में गया होगा, या बैंक में गया होगा, या फिर सीधे ट्रायल बैलेंस में गया होगा। मतलब इसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जिसका अमाउंट हमारा यहाँ पर ना आया हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसमें कोई ऐसी एंट्री है जो छूटी है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो छूटी हो। तो अब हमारा यहाँ से जो काम है वो खत्म होता है। इसको मिनिमाइज करते हैं, अब हमारा यहाँ पर काम शुरू होगा, ठीक है। अब भी सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैश और बैंक का जो अमाउंट है वो निकालते हैं। तो हम कैश और बैंक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर इसे टोटल करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, क्या करेंगे इसको? इसको अब हम टोटल करेंगे, ठीक है। ये पूरा टोटल कर लेंगे, और ये टोटल कर लेंगे, ये और ये टोटल कर लेंगे, ठीक। तो इसे आप टोटल कीजिए, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपके सामने अमाउंट लिख देते हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये फाइनल अमाउंट आपका आया। यहाँ पर जब हमने डेबिट को जोड़ा तो डेबिट आपका ये इतना आएगा, क्रेडिट को जोड़ेंगे तो क्रेडिट आपका ये इतना आएगा। फिर हम दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आपका अमाउंट ज़्यादा कौन सा है? आप देखेंगे 8,30,000 रुपये, ये आपका डेबिट का ज़्यादा है। और क्रेडिट में कितना है? 5,81,000, तो ये आपका कम है। तो डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो फाइनल जो हमारा अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा? 2,48,300। और एक किस साइड का होगा? ये डेबिट का होगा। क्यों? क्योंकि जब डेबिट का ज़्यादा था तो बचेगा तो डेबिट का ही ना। इसी तरह से यहाँ पर बैंक में डेबिट कितना है? 5,50,000। और क्रेडिट कितना है? आपका क्रेडिट सिर्फ है 79,000 रुपये, ठीक है। क्रेडिट आपका कितना है? 79,000। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो डेबिट यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4,71,000। ये भी आपका डेबिट ही है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, कैश में डेबिट कितना हुआ? 2,48,300 रुपये। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर कैश कितना है फिर से एक बार देखते हैं। कैश हमारा है 2,48,300 रुपये, कैश 2,48,300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर बैंक हमारा डेबिट में कितना है? 4,71,000, ठीक है। तो बैंक हमारा कितना है? 4,71,000, ठीक। ये हो गया आपका। अब हमारा जो कैश और बैंक है इससे भी मतलब नहीं है, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कैश बैंक से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो लगभग बन चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें हम जूम माइनस करके आपको पूरा एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा आई थिंक, ये आपका पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है। ऊपर की डेट हटा देते हैं, ये आपका देखिए यहाँ तक पूरा, ठीक है। थोड़ा और जूम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर ही हमने कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बना लिया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो क्या है? देखिए, इसमें ग्रांड टोटल अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्रांड टोटल करेंगे। तो जब ग्रांड टोटल करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। इस साइड का पूरा कंप्लीट हम जोड़ देंगे और इस साइड का पूरा कंप्लीट हम जोड़ देंगे। तो इस साइड का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,00,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, और 21,200 ये। तो टोटल कितना हो गया? 8,51,200 रुपये। तो इधर का कितना आएगा आपका? 8,51,200 रुपये, ठीक है। 8,51,200 रुपये हो गया इस साइड का, क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का अगर आप जोड़ेंगे तो इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। डेबिट का भी आपका इतना ही आएगा, हमने अभी जोड़ा था। तो ये आपका कितना आएगा? ये भी आपका 8,51,200
₹200 ही आएगा, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट इतना ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड का अमाउंट देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये आपका ट्रायल बैलेंस सही है, ठीक है। अगर कहीं आपने बनाते समय कोई कैलकुलेशन में या कहीं पर भी कोई गलती की होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बची है जो कि लास्ट है, वो ये है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि फिक्स्ड असेट्स कितना हुआ, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या किया है, जोड़ करके नहीं लिखा है। जोड़ करके नहीं लिखा है मीन्स देखिए कंप्यूटर, सेलफोन, एसी, फर्नीचर एंड फैक्चर, ये अलग अलग लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ करके लिख देंगे एक अमाउंट पूरा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जोड़, इन चारों को क्या करेंगे, केवल फिक्स्ड असेट्स को, 1, 2, 3, 4, इन चारों को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए ना। इन चारों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई लाइबिलिटी पूछे तो उसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर जोड़, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर आप नोट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट अगर आपसे कोई पूछता है तो उन यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो अभी तो इसमें एक ही एक अमाउंट है तो दोनों साइड में, तो दोनों साइड में लिख देंगे। इधर 4500 आपका आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 8 लाख रुपये, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, हो गया करंट लाइबिलिटीज भी जोड़ देंगे, फिक्स्ड असेट्स भी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद करंट असेट्स भी हमको यहाँ पर जोड़ देना। इन तीनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ पर नोट कर देंगे, ध्यान रखना इन तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर इन चारों को जोड़ेंगे और इन दोनों को और इसको अलग अलग, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जोड़ देंगे, इस तरह से दोनों अमाउंट को यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बन जाता है, आई थिंक समझ गए होंगे। अगर हम इसको मैच करवाएं तो आप देखेंगे जो टैली का ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। देखिए ट्रायल बैलेंस में गए और अल्ट्रा एफोन के साथ डिटेल में, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही ट्रायल बैलेंस है जैसा कि हमने अभी बनाया है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं, 8,51,200 रुपये आया है। कैश कितना है, 4,71,000, और सॉरी बैंक 4,71,000, कैश 2,48,300। तो वही सेम अमाउंट यहाँ पर भी आपके आए हैं, 2,48,300, 4,71, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमें सिर्फ इनडायरेक्ट, ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम निकालनी होती है। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट इनकम तो है ही नहीं, हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेज है। तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड में आपका एक्सपेंसेज होता है और दूसरी साइड में आपकी इनकम होती है, एक साइड में एक्सपेंसेज दूसरी साइड में इनकम। तो अब हम क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस में देख लेंगे, तो हम अपने ही ट्रायल बैलेंस से देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेंसेज ही सिर्फ हुई है, तो टोटल कितनी एक्सपेंसेज हुई है, 10,200 रुपये। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,200, 9,000 ये और 1,200 रुपये ये, यानी टोटल 10,200 रुपये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे नोट कर देंगे कि हमारी एक्सपेंसेज कितनी हुई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ये आपको पूरा नोट करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 10,200 रुपये हुई, ठीक है। इनकम कितनी हुई, तो इनकम तो जीरो है, इनकम आपकी क्या है, जीरो है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस से इनकम को माइनस करते हैं, तो अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा तो हमारा 10,200 ही ना, 10,200 को जीरो से माइनस करने पे हमारा वही बचेगा। तो अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारा क्या, एक्सपेंसेस ज़्यादा है ना, तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारा लॉस ही होना है, क्या होना है, लॉस। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नेट लॉस, ठीक है। अभी हम इधर ही क्यों लिखेंगे ये भी बताते हैं। तो पहले तो हम लिख देते हैं नेट लॉस हमारा कितना हुआ, 10,200 रुपये का। अब जो देखिए जब लॉस होता है तो हम हमेशा इनकम साइड में लिखते हैं, जब लॉस होगा तो किस तरह लिखेंगे, इनकम साइड में, और जब हमारा प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस में, ठीक है, प्रॉफिट, इस तरह से प्रॉफिट। तो अभी तो प्रॉफिट फिलहाल जीरो है तो यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो ये हो गया बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही होता है, एक साइड में इनकम रखो, एक साइड में एक्सपेंसेज रखो और माइनस कर दो। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो लॉस और इनकम ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो आप इधर साइड में एक्सपेंसेस साइड में लिखेंगे, और अगर आपका लॉस हुआ तो इनकम साइड में लिख देंगे। और फिर फाइनली इसे हम ग्रांड टोटल करेंगे तो आपका ग्रांड टोटल यहाँ पर कितना आएगा, उतना ही आएगा, इधर भी 10,200 रुपये आ जाएगा और इधर भी आपका 10,200 रुपये आ जाएगा। बस ये आपका कंप्लीट बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, हमने बताया था बैलेंस शीट एक फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है मीन्स कि यहाँ पर इसमें एक्चुअल बैलेंस आता है। तो एक्चुअल बैलेंस में हम ट्रायल बैलेंस अगर देखें, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट ये आपका जो है ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट आपका भी एक्चुअल अमाउंट नहीं है। हमें क्या करना होगा, 8 लाख रुपये से 4,500 रुपये माइनस करने होंगे, 8 लाख से 4,500 रुपये माइनस करने होंगे, तब जाके हमारा बचेगा कैपिटल एक्चुअल अमाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल से निकाला गया और 8 लाख रुपये ये क्या है, कैपिटल लगाया गया, यानी पूंजी में ये पैसा लगाया गया और ये पैसा निकाला गया, इसलिए माइनस कर देंगे। तो वही माइनस करने के बाद में जो हमारा बचेगा वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये कितना है, 8 लाख से 4,500 पहले आप माइनस कर लीजिए, फिर जितना बचता है वो यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसे माइनस करते हैं, 8 लाख माइनस 4,500 रुपये, एंटर करेंगे तो कितना बचा, 7,95,500 रुपये। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 7,95,500 रुपये, ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। उसके बाद
हमने बताया लायबिलिटी इधर होती है, तो एक दूसरी और कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी है उसको देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो आपकी करंट लायबिलिटीज यहाँ पर कितना है? 30,000 रुपये है, और यहाँ पर कितना है? 21,200 रुपये। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 20, 50, 51,200 रुपये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज कितना? 51,200 रुपये, ठीक है, 51,200 रुपये। वापस आते हैं और देखते हैं कोई लायबिलिटी है। तो कैपिटल अकाउंट हमने नोट कर दिया, करंट लायबिलिटीज भी हमने नोट कर दी। अब बचा है फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स का ये टोटल अमाउंट यहाँ पर हम जोड़ लेंगे कितना होता है, और नहीं जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर आके यहीं से देख लेते हैं जोड़ने में टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आएगा आपका उतना ही। तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स आपका कितना है? 65,700 रुपये। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में आते हैं और इधर लिखेंगे हम यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स कितना है आपका? 65,700 रुपये, 65,000। उसके बाद यहाँ पर आपका करंट असेट्स कितना है? करंट असेट्स है आपका 7,70,800 रुपये। तो यहाँ पर करंट असेट्स 7,70,800 रुपये। उसके बाद बचा लास्ट में हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं लिखते, ठीक है। हम एक साइड में लायबिलिटी और दूसरी साइड में असेट्स रखते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट होता तो हम क्या करते? प्रॉफिट होता तो उसको हम यहाँ पर लायबिलिटीज़ में लिखते, ठीक है। इधर देखना प्रॉफिट आपका किधर आता है? यहाँ पर। तो प्रॉफिट कितना है? 0। और लॉस कितना है? लॉस कितना है? तो आपका लॉस जो है वो 10,200 रुपये है। तो हम इस तरह से यहाँ पर नोट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रांड टोटल, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा? ग्रांड टोटल, मतलब इधर जोड़ दो और इसका जोड़ दो, बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट में भी बराबर ही आना चाहिए नीचे का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप एक चीज़ देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको हमेशा लायबिलिटी में रखते हैं, और जब हमारा लॉस होता है तो उसको हम असेट्स में लिखते हैं, ठीक है। लॉस होगा तो क्या करेंगे? असेट्स में लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? लायबिलिटी में रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखते बैलेंस शीट में, हम उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखते, बल्कि पूरा लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पीएल लिखते हैं, ठीक है। पहले इसको हम हटा देते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं पूरा? अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम सीधे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितना? 10,200 रुपये। और अगर मान लेते हैं कि यही इनकम होती तो हम सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए यहाँ पर, तो इधर आपका कितना है? यहाँ पर 7,95,500 प्लस 5,120, तो ये आपका कितना आ गया? 8,46,700 रुपये। तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 8,46,700 रुपये, ठीक है। 8,46,700 रुपये हो गया। इधर का देखते हैं कितना आ रहा है आपका, तो 65,700 प्लस 7,07,080 प्लस 10,200, तो ये भी आपका आ गया 8,46,700 रुपये, ठीक है, 8,46,700 रुपये। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हमने डेट वगैरह नहीं डाल रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट ऑन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कैसे बनता है कॉपी पर, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट देख लिया है। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो हम अगले मंथ की जब एंट्री मई की करेंगे, तो वहाँ पर आपको हम वापस से मई का ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बताएंगे। तो अगर कोई चीज़ आपकी छूट गई है या समझ में नहीं आई है, तो वो आपकी मई वाले ट्रायल बैलेंस में क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना है, और जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस आप जरूर करें ट्रायल बैलेंस बनाने की, और एंट्री तो आपने कर ही रखी होंगी, नहीं की है तो आप एंट्री को भी कॉपी पर सॉल्व कर लें, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अप्रैल मंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अप्रैल मंथ को कम्प्लीटली कम्प्लीट कर लिया है। अप्रैल मंथ की क्वेश्चन को सॉल्व करके टैली में एंट्री भी हमने उनकी कर ली है, और कंप्यूटर में भी यानी टैली में भी हमने उनका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे चेक किया जाता है जान लिया है, और कॉपी पर भी बनाना हमने देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में मई की एंट्री को सॉल्व करके कंप्यूटर पर चढ़ाना देखेंगे, और साथ में रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ाई हैं आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो यहाँ पर हमें एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में, कमेंट आई थी, किसी ने कमेंट किया था कि टैली में जो फाइनेंशियल ईयर की डेट है वो नहीं चेंज हो रही है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, अल्टर F3, न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमने कंपनी का नाम डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम IT स्मार्ट वर्ल्ड डाल देते हैं, ठीक है, IT स्मार्ट
वर्ल्ड, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। यहाँ से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं आईटी स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से, जिसमें कोरल ड्रॉ की फुल ट्यूटोरियल सीरीज ऑलरेडी बेसिक से एडवांस तक अपलोडेड है। और अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है आईटी स्मार्ट वर्ल्ड पे एलुस्ट्रेटर की सीरीज, जिसमें आप एडोब एलुस्ट्रेटर भी सीख सकते हैं, जो कि वो भी बेसिक से एडवांस तक ही होगा। फिलहाल तो यहाँ पर हमने आईटी स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से, मतलब आईटी स्मार्ट वर्ल्ड से हमने एक आईडी बना ली, यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश आईडी बना ली, नहीं मतलब कंपनी बना ली। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तभी हमें बदलना होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है 1 अप्रैल 2020 सेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टैली का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि मतलब 2020 में हमने डाउनलोड किया है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी जो डेट है 2020 आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये डेट हमें हटानी नहीं है, हमें क्या करना है, देखिए बैक स्पेस से हम वापस आ गए यहाँ पर। अब हम जैसे ही एंटर करके वहाँ पहुँचते हैं, डायरेक्ट हमें यहाँ पर अपनी डेट जो भी डालना है वो लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डेट ऑटोमेटिक ओवर राइट हो जाती है, मतलब पुरानी डेट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें 1 अप्रैल 2016 यानी वही फाइनेंशियल ईयर सेट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 1 माइनस, माइनस मतलब हम सीधे यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखना, एंटर करेंगे। और ये जो लिखा, अब ऐसा नहीं कि एक लिखा है तो हम सीधे वो लिखें, नहीं, आप पूरी डेट हटा दीजिए, 1 माइनस 4, माइनस यानी डैश, यानी जो माइनस वाली बटन होती है, 1 माइनस 4 माइनस 2016, बस सिंपल एंटर करेंगे तो ये नीचे वाली डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप जो भी रखना चाहें, मान लीजिए आज से बिजनेस स्टार्ट करें तो 10 सितंबर है, तो यहाँ पर हम 10 माइनस 9 कर देंगे, सिंपल 10 माइनस 9। अब यहाँ पर हमें ईयर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ईयर इसलिए नहीं डालेंगे, चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी डालेंगे तब भी कंप्यूटर जो है टैली यानी जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि उसे पता है जो फाइनेंशियल ईयर 2016 है तो आपका ईयर जो है वो 2016 ही होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 माइनस 9 डाल के एंटर कर सकते हैं। तो डेट यहाँ पर इसलिए नहीं चेंज हो रही है क्योंकि आपको पता होगा कि ये टैली का एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पर हम कोई भी मतलब 1 या 2 या फिर 31 के अलावा कोई भी डेट नहीं सेट कर सकते, ठीक है, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर हम वही रखते हैं, 1 अप्रैल 2016 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2016 जो है वो फाइनेंशियल ईयर सेट हो गया और ये हमने एक्सेप्ट कर ली। अब ये एंट्री जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम इसमें एंट्री करने जाएं, देखिए अकाउंटिंग वाउचर में, तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो वाउचर की डेट है वो 1 अप्रैल 2016 ही ले रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, समझ गए ना। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2016 ले रहा है ये, ठीक। और जब आप एंट्री करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से शुरू कर देंगे, तो सिंपल है। तो इसे आप देख लीजिए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर भी आप वापस से कमेंट करें तो हम फिर से आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आपने टैली सही से इंस्टॉल ना किया हो या कोई और दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप ट्राई करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम मई की जो एंट्री है उन्हें कंप्यूटर में करना देखेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।